और कीमाड़ी में जहरीली गैस बदस्तूर फजा में मौजूद मजीद 30 अफराद अस्पताल मुंतकिल हो गए। कराची पोर्ट पर दरामदी सोयाबीन की ऑफ लोडिंग रोक दी गई जबकि अमरीकी सोयाबीन को क्लीन चिट मिल गई है। वाकई की जामे तहकीकत के लिए 14 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। कराची के इलाके कीमाड़ी में जहरीली गैस के मामले पर वफाकी वजीर अली जैदी की सदारत में इजलास हुआ जिसमें सूबाई वजीर नासिर शाह ने भी शिरकत की। आइंदा के लिए सोयाबीन को कराची बंदरगाह पर ऑफलोडिंग से भी मना कर दिया गया है और इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है जो कि मामला की मजीद छानबीन करेगी। कीमाड़ी में जहरीली गैस बदस्तूर फजा में मौजूद है जिसकी वजह से मजीद 30 अफराद अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। मुतअद्दिद मरीज अस्पतालों में ताहाल ज़ेर इलाज हैं। पुरअसरार गैस से अमवात की तादाद 14 हो गई। जामे कराची के फोरेंसिक माहिरीन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों के जिम्मेदार सोयाबीन जर्रात निकले। दूसरी जानब महकमा फरंतीना ने अमरीकी सोयाबीन को महफूज करार देते हुए जहरीली गैस के फैलाव का सबब बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बंदरगाह पर सोयाबीन अनलोड करने के लिए लंगर अंदाज अमरीकी जहाज हरकुलिस को बर्थ से हटाकर रवाना करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता रोज सोयाबीन की अनलोडिंग से गैर मामूली जानी नुकसान का सबब बनने वाली आलूदगी अब बहुत हद तक कम हो चुकी है।